नमस्कार। बालों का झड़ना एक आम समस्या है, तो आज मैं आपको इस समस्या को दूर करने के लिए तीन फॉर्मूलाज बताऊंगी जिनको आप याद रखें और उनका पालन करें। पहला फॉर्मूला, अपने बालों की सराहना करें। आप आज यानी अभी से ही अपने बालों की विशेषताओं की सराहना शुरू करें। आज आप जिन बालों के साथ प्राकृतिक रूप से पैदा हुए थे उसे अपनाएं और अपने बालों की सराहना करें। अगर आपके बाल स्वाभाविक रूप से घुंघराले हैं तो उसे सीधे करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप अपने हेल्दी बालों का नुकसान कर सकते हैं। अपने नेचुरल हेयर को झड़ने से रोकने के लिए इसे कुछ कोमल प्रेम पूर्ण तरीके से इसकी देखभाल करें। मैं आज बताऊंगी कि अपने बालों के रूट्स को कैसे मजबूत किया जाता है। अपने बालों के रूट्स को कुछ आराम देने के लिए समय समय पर अपने बालों की पार्टिंग बदलते रहें। सालों तक एक ही पार्टिंग करने से आपके बाल एक दिशा में ही खींचते रहते हैं और रूट्स पर दबाव पैदा हो सकता है। अपने बालों को मुलायम और कोमल बनाने के लिए अपने बालों को सुखाने का तरीका बदलें। अपने बालों को सुखाने के लिए टॉवल्स का उपयोग करना बंद करें। इसके बजाय बड़े ढीले ढंग से एक मुलायम कॉटन की शर्ट या कॉटन के कपड़े से इसे बांधें। हेयर ड्रायर का उपयोग करने के बजाय बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें। बालों के झड़ने को नियंत्रित करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, घरेलू नुस्खे अपनाएं। अक्सर बालों को स्वस्थ रखने के लिए आप कुछ हेयर प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जैसे हेयर मास्क, शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल। लेकिन अपने बालों के टाइप को ध्यान में रखते हुए इन प्रोडक्ट्स को समझदारी से चुनें। यहाँ आप घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं और ये घरेलू नुस्खे काफी लाभदायक हो सकते हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनका अच्छा प्रभाव लंबे समय तक रहता है और समय की बचत भी होती है। इसे बनाने के लिए ये सारी सामग्री भी आसानी से मिल जाती है। बालों में शैम्पू लगाने के एक घंटे पहले आधे प्याज के पेस्ट से बना हुआ हेयर मास्क आधा घंटा पहले लगाएं। प्याज में डाइट्री सल्फर होता है जो आपके स्काल्प में कैरेटिन और अन्य एंजाइम को डेवलप करने में मदद करता है और स्वस्थ बाल के विकास को बढ़ावा देता है। अब तीसरा फॉर्मूला, बालों का झड़ना बंद करने के लिए हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग करना बंद करें। आपको ये स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे हॉट रोलर और फ्लैट आयरन का उपयोग अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे बाल कमजोर होते हैं और फिर टूटने लगते हैं। हमारा जो तकिया है वो रफ मटेरियल से बना हुआ ना हो, मुलायम मटेरियल वापरें जैसे सिल्क, उसका उपयोग करें जिससे फ्रिक्शन ना हो। जब आप धूप में बाहर निकलते हैं तो बालों को कैप या स्कार्फ से ढके। स्मोकिंग की अगर आदत है तो उसे बिल्कुल छोड़ दें और पैसिव स्मोकिंग से भी दूर रहें क्योंकि स्मोकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन पर उसका असर पड़ता है, वो कम हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। याद रखें कि इन तीन फॉर्मूला का पालन करने के अलावा अगर आप झड़ते बालों से परेशान हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना चाहिए। संतुलित डाइट लें और खाना स्किप ना करें क्योंकि ये फास्टिंग उपवास से शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और आपके बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं और ज़्यादा सोचते हैं तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स का पालन करना ज़रूरी है, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम और योग आसन। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने बालों के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। ये भी याद रखिए कि आपकी खूबसूरती सिर्फ बालों से ही नहीं है बल्कि आपकी सोच और आपके व्यवहार से भी है। तो अपने बालों की देखभाल करने के साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। शुभमस्तु। नमस्कार।